अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मानू शाकिर। हमने कल कुछ इस कॉन्टिनेंटल ट्राई किया था, तो आज हम सोच रहे हैं आज हम कुछ देसी ट्राई करें। तो हम बनाने जा रहे हैं लौकी गोश्त। बिना कुछ देर के चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 पाव गोश्त है गाय का। ये हमारे पास धनिया पाउडर है 2 टीस्पून। ये हमारे पास नमक है जो हम हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास जीरा पाउडर है जो है 2 टीस्पून। एक हम पहले डालेंगे और एक हम बाद में डालेंगे। ये हमारे पास गरम मसाला है 1 टीस्पून। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के। ये हमारे पास लाल मिर्चों का पाउडर है जो है 2 टीस्पून। आप अपने हसबे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 तेज़ पत्ते हैं जिन्हें हमने तोड़ लिया है। ये हमारे पास 4 इलायची है, छोटी इलायची, 2 दालचीनी के छोटे पीस हैं, 1 बड़ी इलायची है। इसमें हमारे पास 6-7 दाने काली मिर्च और 4 लौंग और कुछ जीरा है। ये हमारे पास 3 मीडियम प्याज है। ये हमारे पास 3 मीडियम टमाटर हैं। ये हमारे पास छोटी लाल मिर्च है 4 से 5। और ये हमारे पास बड़ी मिर्चें हैं, मोटी मिर्चें 3। और ये हमारे पास 1 मुट्ठी धनिया है। ये 1 किलो हमारे पास लौकी है। ये हम ऑयल डालेंगे 4 to 5 टेबल स्पून। कुकर में 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया। हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, आप जो सा भी करें वो डाल लें। हमने मीडियम हाई पे रखनी है और इसमें हमने जो गरम मसाले बताए थे वो डालेंगे। हल्का सा कर आने तक हमने इसे फ्राई करना है, फिर हमें इसे प्याज डालना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये मसाला थोड़ा सा वो हो रहा है, तो हम इसे प्याज डाल देंगे। अब हम हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे, प्याज डालते ही हरी मिर्चें भी। प्याज लाल होने तक हम इसे छोड़ देंगे। प्याज हमारी हो चुकी है, अब हम इसकी आंच करेंगे कम। ये देखिए हमारी आंच बस इतनी रहेगी। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और हमने 1/2 टीस्पून जो है ना हमने हल्दी ली थी वो भी डाल देंगे। और हम इसमें गोश्त डाल देंगे और हम इन सबको मिक्स करेंगे। हमने इसे भून लिया अच्छी तरीके से और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, 1/2 गरम मसाला डालेंगे, ठीक है, और 1/2 हम बचा के रख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और अब हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे हमारे जो थे, और अब हम इसे पकाएंगे थोड़ा सा। अब हम 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के अब हम इसको भूनते रहेंगे। जैसे आपको लगे तेल निकल गया फिर थोड़ा सा पानी डाल के भूने। 2-3 दफा ऐसे करने के बाद जब हम 2-3 दफा इसे कर लेंगे ना, फिर इसमें भर के 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और फिर इसको हम कुकर में बंद कर देंगे। हमें इसे भूनते हुए 3 मिनट हो गए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अब हम इसे चला देंगे और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम हसबे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे कुकर को 5 मिनट के लिए एग्जैक्टली बंद कर देंगे। इसे मीडियम आंच पे रख लिया है 5 मिनट के लिए। ये हम इसमें सीटी लगा के छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट बाद हमने ये कुकर खोला और आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से टमाटर गल चुके हैं और ये ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसे भूनेंगे। ये हमारी भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि ये इसने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है। और अब हम इसमें हमारे लौकी डालेंगे जो कि थे 1 kg। आप इसमें लौकी डालें। मैंने लौकी इसमें डाल दी है। अब हम इसके साथ लौकी के साथ इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। इस मौके पे अब देखें कि ये लौकी की भी भुनाई हो गई। हम लौकी को ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इस मौके पे हम पानी डाल देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि नमक सही है कि नहीं। ये देखें हमने इसमें पानी डाल दिया। हमें थोड़ा शुगर वगैरह भी चाहिए, तो हमने इसमें पानी डाल दिया। हम इसे कवर लगा के
पकाएंगे। अब हम इसको ना 5 मिनट के लिए कुकर बंद करके पकाएंगे, क्योंकि हमें लौकी को अभी सोख होके पूरा गलना है अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं, हमने जब लौकी डाला था तो उसके बाद हमने 5 मिनट बाद कुकर हमने बंद कर दिया था। उसके बाद हमने हरी मिर्च डाल दी थी और जब तक पकाया था तब तक तेल ऊपर ना आ जाए। अब ये हमारा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने गरम मसाला बचाया था वो। और जीरा पाउडर डालेंगे। ये देखिए हमारा ये हैंडफुल हरी धनिया था, ये हमने ये डाल दिया। और अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि हमारा लौकी गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये हमारे आलू, ये हमारा लौकी गोश्त तैयार है।